Yeah. Tell me where the cash at. I've been on the fast track. Shorty want my heart, but I can never backtrack. I just wanna smash that. Hit it, then I pass back. Shorty want my heart. Welcome again, guys. तो आगे हूँ मैं एक और PUBG Mobile Lite का बिल्कुल brand new video लेके. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप PUBG Mobile Lite पे fast landing कैसे कर सकते हैं. कुछ भाई लोग जो PUBG के पुराने प्लेयर्स हैं उनको तो ये चीज़ पता होगी, लेकिन जो अभी न्यू प्लेयर्स हैं उनको इस बारे में पता नहीं होगा. तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ. वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे मैं अभी लॉबी पे हूँ गाइस. लॉबी पे आपको एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करना है, और वो ये है कि आपको अपना पॉइंट मार्क करना है जहाँ पे भी आपको उतरना हो. जैसे कि मुझे थर्ड हिल पे उतरना है, और थर्ड हिल पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है. अब आपको करना ये है कि जैसे ही आपका प्लेन आपके मार्क्ड पॉइंट से 400 मीटर की दूरी पे हो, आपको तुरंत छलांग लगा देनी है. मैं आपको फिर बता दूं कि जैसे ही आपके पॉइंट को सिर्फ 400 मीटर बचे हो, आप तुरंत प्लेन से छलांग लगा दीजिए. फिर आपको अपने प्लेयर की बॉडी नीचे साइड किए हुए जॉयस्टिक को 135 डिग्री पे, जैसे कि मैंने किया हुआ है, अपने टारगेट पॉइंट की तरफ ले जाना है. और बस बूम गाइस, आप सबसे पहले लैंड कर लोगे. इस पर कोई शक की बात नहीं है. और इस तरीकों को आप जितना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, आपकी लैंडिंग उतनी ही ज़्यादा और ज़्यादा फास्ट होगी. अब इसी में एक और पॉइंट है गाइस, कि अगर आपका मार्क्ड लोकेशन, जो आपका लोकेशन है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे आप मतलब फास्ट लैंडिंग वहाँ पे आप कैसे करोगे. जैसे कि मान लीजिए, देखिए मेरा मार्क पॉइंट है जो, वो फैक्ट्री पे मैंने किया है, वो बिल्कुल भी 300 या 400 मीटर के रेंज पे तो नहीं आता है. तो आपको सबसे पहले वेट करना है कि आपका प्लेन आपके टारगेट पॉइंट से जब सबसे ज़्यादा करीब हो, तभी आपको जंप लगानी है. और फिर आपको अपनी जॉयस्टिक अपने टारगेट की तरफ रखनी है, और अपने प्लेयर को ऐसे जैसे मैंने किया हुआ है एकदम ऊपर साइड करके रखना है. फुल ऊपर की तरफ आप करके रखिए. उसका जो एंगल है पूरा ऊपर की तरफ होना चाहिए. और फिर जैसे ही आपका प्लेयर आपके मार्क्ड पॉइंट के ऊपर आ जाए, आपको तुरंत कैमरा एंगल एकदम नीचे की तरफ कर देना है. और ऐसे आप इजीली दूसरों से पहले उतर जाएंगे बड़े ही आराम से. तो बस गाइज, यही कुछ छोटी सी और बेसिक टिप्स थी जो मुझे लगा कि आपको जानना ज़रूरी है, तो मैंने अपने वीडियो पर बताई. होप ये वीडियो आगे चल के आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी. तो इस वीडियो पे इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो पे. तुम सोच भी नहीं सकते कितना हुआ हूँ विफल ब्रो. सोच भी नहीं सकता अपने लास्ट के विकल्प को. वो सीढ़ी चढ़ने लगा धीरे धीरे से शिखर को. सब होने लगा बना जैसे ही निडर ब्रो. कभी घर से सबके डर से खुद से लड़ते था जी भर मेरे वर से. काफी अरसे से छुप